आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से संचालित एक लौता ऐसा क्षेत्र दयोदय तिलवारा जबलपुर, जहां आचार्य श्री के आशीर्वाद से 6 से 7 प्रकरण एक साथ यहां चल रहे हैं, चाहे वो प्रतिभा स्थली, चल चरखा, दयोदय, पूर्णायु, मंदिर निर्माण, इतने सारे कार्य एक लौते स्थान पर यहां आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रहे हैं महाराज जी। और अब छुल्लक जी भी हमारे यहाँ, छुल्लक आश्रम भी गुरु जी ने इस वाले चतुर्मास में हम सभी को दिया यहाँ पर। एक लौता ये गुरु आज्ञा क्षेत्र महाराज जी, यहाँ सब लोग गुरु आज्ञा का पालन करने में निरंतर लगे हुए हैं, इतने सारे लोग। महाराज जी प्रश्न ये है कि कुछ लोग गुरु आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग मात्र उपदेश को गुरु आज्ञा मानकर यहाँ गुरु जी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज जी जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो उन लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग जुड़े हैं कोई छूट ना जाए यहाँ से, बस जो जुड़ा है तो बस अपना कार्य और अपना कर्तव्य से जो गुरु आज्ञा मिली है उसका पूर्ण पालन कर पाए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी देखो, किसी भी चीज को यदि हम भगवान की आज्ञा मान के ही करेंगे, गुरु की आज्ञा मान के ही करेंगे, शास्त्र की आज्ञा मानना ही हमारा यदि लक्ष्य होगा, तो शायद हम सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज्ञा तो नौकर भी मानता है, आज्ञा तो एक महावत की हाथी भी मानता है, आज्ञा तो एक रिंग मास्टर की शेर भी मानता है। आज्ञा ही हमारा मुख्य लक्ष्य ना हो, हमारा लक्ष्य हो कि गुरु ने आज्ञा क्यों दी है, जिनवाणी ने आज्ञा क्यों दी, ये आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि यही हमारा धर्म था, यही हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनकी आज्ञा। हमारे देशना लब्धि में आता है कि देशना लब्धि में वो कहता है कि महाराज ने कहा है, गुरु ने कहा है, सो ऐसा है, गुरु ने कहा है सो मुझे ऐसा करना है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते, महाराज जी ने नियम दिला दिया, महाराज जी ने नियम दिला दिया इसलिए रात में नहीं खाते हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं। थोड़ा सा पलटे इसको, देशना लब्धि के बाद जब प्रायोग लब्धि में आता है तो जीव क्या कहता है, नहीं ऐसा ही करना चाहिए था इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए था इसलिए न गुरु ने छुड़ाया है, गुरु ने छुड़ाया है इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ना चाहिए था इसलिए गुरु ने छुड़ाया है। ये हमारा धर्म हो जाए, हमारा कर्तव्य हो जाए, गुरु की आज्ञा हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, और जब हमारे आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो ये धर्म जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। अभी लोग विधवा स्थल की बच्चियाँ उनको लाए थे जो हथकरघा पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि ठीक है बहुत अच्छा है, आप लोग आजीविका कमा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आजीविका कमा रहे हैं पैसा मिल रहा है, इसलिए इस कार्य को नहीं करना है, हम राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा भी कर रहे हैं, ये भाव भी हमें आना चाहिए। हम गुरु की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम मात हथकरघा इसलिए नहीं चला रहे कि गुरु की आज्ञा है, हम हथकरघा इसलिए चला रहे हैं कि एक साड़ी भी यदि चीन की बिकना बंद हो गई तो हमने एक मुर्गे को कटने से बचा लिया, ये भी हमारा कर्तव्य है, हम राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। गुरु आज्ञा क्यों देता है, क्योंकि हम कहीं धर्म से भटक जाते हैं तो ये रास्ता सही है इसलिए गुरु ने आज्ञा दी तुम इस रास्ते पर चलो। तो अब देखना, हम इसलिए इस रास्ते पर चल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा है, कि हम इसलिए रास्ते पे चल रहे हैं कि यही सच्चा रास्ता है, बोलो अंतर समझना। गुरु की आज्ञा है तो चल रहे हैं, रास्ता कहता है अब भैया रास्ता तो गुरु जी जाने, अब देखना गुरु को उसने सब गड़बड़ कर दिया,
मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी थी, ये रास्ता सही है क्या, अब साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं, साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं यही रास्ता सच्चा है, अन्यथा मेरा गुरु आज्ञा दे ही नहीं सकता। कितना अंतर आ गया, यही रास्ता सच्चा है इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है, नान्यथा वादनो जनाहा। आचार्य लिखा सूक्ष्मम जिनोदितम तत्त्वम हेतुर नैव हन्यते नान्यथा वादनो जना, क्योंकि हमारे जिनेन देव कभी अन्यथावादी नहीं होते। बस इसको अपन एक अपना स्वभाव मान लें, धर्म मान लें, हमें इस युग में अहिंसा की रक्षा के लिए यही करना चाहिए, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी। प्रतिभा स्थली के लिए आज वर्तमान में जो पाश्चात्य युग जिस तरफ नारी जाति को ले जा रहा है, उस नारी जाति की सुरक्षा के लिए हमें प्रतिभा स्थली खोलना चाहिए। हमें प्रतिभा स्थली में बच्चियों को जीवन देना है, इसलिए नहीं कि गुरु की आज्ञा है, नारी जाति की सुरक्षा इसी विधि से हो सकती है इसलिए गुरु की आज्ञा है। उसको धर्म गुरु की आज्ञा को सत्यार्थ कर दो, गुरु की आज्ञा पर यह निर्णय करो कि यही सत्य है। गुरु की आज्ञा है तो मात्र इतने मात्र से हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, और अपनी आत्मा की पर्याय गुरु की वाणी बन जाएगी तो देशना लब्धि सम्यक दर्शन में बदल जाएगी, और फिर तुम्हारा जीवन में कभी नहीं टूटेगा, बल्कि तुम जिस करुणा भावना से गुरु ने तुम्हें तैयार किया है, जब तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो तुम भी दूसरे को तैयार करने में ऐसे ही लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गई तो तुम दूसरे को तैयार करोगे, दूसरा तीसरे को तैयार करेगा, पता चलेगा कि सारा भारत तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने प्रातःकाल भी कहा था, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है यही आज के युग की मांग है। आज का युग इससे अच्छी तरीके से, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की रक्षा कर सकें।